2D नेकरेस्ट या हेडरेस्ट, कंफर्टेबल एयरी मैच, 3D आर्मरेस्ट, लंबार सपोर्ट, बहुत कंफर्टेबल है, मल्टी एंगल टिल्ट एंड लॉकिंग सिस्टम, सीट स्लाइडर फॉर एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट टू रिलैक्स आफ्टर टायरिंग वर्क। लुक इतना प्रीमियम कि हर कोई देखकर बोले वाह वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग है? एक्टिंग नहीं, ये सब रियल है क्योंकि मैं कोई एक्टर नहीं। इस तरह का बॉक्स है हमारी चेयर का, सामने की तरफ रेड ओक की ब्रांडिंग दी गई है, फाइन फर्नीचर है एकदम। बॉक्स काफी डैमेज हो रखा है लॉजिस्टिक्स में, अंदर देखते हैं सामान सुरक्षित है या नहीं। पैकिंग तो बहुत अच्छे से की गई है, सारा सामान बहुत सेफ्टी के साथ रखा हुआ है, अच्छी तरह से रैप्ड है। चलिए निकाल लेते हैं सारा सामान बॉक्स से बाहर। ये निकले तो आर्मरेस्ट, ये निकले स्टारफिश मतलब बेस, ये मुझे नेकरेस्ट लग रहा है, बाद में खोलेंगे तो पता चलेगा। ये बॉक्स भी बहुत भारी है, खोलेंगे तो पता चलेगा क्या निकलेगा इसके अंदर। काफी सारे गत्ते डाल रखे हैं प्रोटेक्शन के लिए। बॉक्स के अंदर बिल भी मिल जाएगा फ्यूचर यूज के लिए, कुछ इस तरह के कुशन भी डाल रखे हैं प्रोटेक्शन के लिए। ये निकली एक बढ़िया सी सीट, ये निकला प्रीमियम से बैकरेस्ट, एक और बॉक्स निकला इसके अंदर। अब कोई सामान नहीं बचा है, बॉक्स खाली हो चुका है पूरी तरह से। चलिए सबसे पहले देखते हैं इस बॉक्स में क्या निकलता है। वजन काफ़ी है इस बॉक्स में। इस बॉक्स में दे रखे हैं कुछ स्क्रूज, कुछ कास्टर्स और एक गैस लिफ्ट, इसे रख दें साइड में। इसके अंदर देख लेते हैं क्या मसाला है। इसके अंदर एक ये निकला S और ये आइटम बहुत भारी है, इसे उठाना मुश्किल है, जिम हो जाएगा मेरा इससे। इससे ही पता चल रहा है बिल्ड कितनी बढ़िया होने वाली है। अब देखिए बचा हुआ सारा आइटम खुला खुला सा ही है, हल्का फुल्का रैप है, तो अभी तक मुझे कोई मैनुअल तो दिखा नहीं, तो शायद मैनुअल ना हो। ये पेपर दे रखा है, इस पे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि किस तरह से इसे इंस्टॉल करना है, देखते हैं। अगर आप खुद से इंस्टॉल ना करना चाहें तो आप ब्रांड की तरफ से फ्री इंस्टॉलेशन भी ले सकते हैं, बंदा आपके घर आएगा और इसे इंस्टॉल करके जाएगा फ्री में। पैकिंग तो एकदम बढ़िया कर रखी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बेस हमारा दे रखा है बढ़िया क्रोम फिनिश में, आयरन का बेस मुझे लग रहा है ये, और इस पर क्रोम की फिनिश दी गई है। फिनिशिंग इसकी बहुत शानदार है, कोई कमी नहीं लगी। ब्रांड ने रैपिंग यूज करने में कोई कंजूसी नहीं करी है। आर्मरेस्ट बढ़िया है एकदम, बहुत अच्छी फिनिशिंग है। ये गैस लिफ्ट हमको उठानी है, ये एक कवर दे रखा है, इसको कुछ इस तरह से प्लेस करना है यहाँ पर। इसके बाद हम इसको प्लेस कर देंगे इसके ऊपर, कुछ इस तरह से हमारी गैस लिफ्ट फिट हो जाती है, फिर इसको रख देंगे साइड में। मैनुअल के अकॉर्डिंग अब हमें सेकंड स्टेप फॉलो करना है, अब हमें सीट उठानी है, उसके बाद उसमें स्क्रू डाल लें। ये हमारे स्क्रूज हैं, इसमें हर टाइप के स्क्रूज दे रखे हैं। अभी इसमें हम देखेंगे कौन से नंबर का स्क्रू किसमें लगेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे स्क्रू प्लेस करने हैं। देखिए सारे पेंच हमने सॉर्ट कर लिए हैं, यहाँ पे कौन से पीस कितने हैं उस हिसाब से। सबसे पहले हमने अपना बेस उठा लिया है मतलब सीट, उसके ऊपर हम ये माउंट करेंगे, ये अपना स्लाइडर। इसे माउंट करते वक्त एक बात आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि इसका ये जो आइटम है ये आगे की तरफ को आपको प्लेस करना है और ये वाला आइटम पीछे की तरफ को प्लेस करना है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे इंस्टॉल करनी है। सबसे पहले हमने ये आइटम प्लेस कर दिया, इसके ऊपर चार पेंचों का ये जो सेट है, इन चारों पेंचों को हमें यहाँ पे सेट करना है। यहाँ साथ एक तरह के वॉशर जो दे रखे हैं, इनमें से चार वॉशर का हमें यूज़ करना है इस आइटम को फिक्स करने में। तो अभी हमारा ये वाला जो आइटम है वो फिक्स हो चुका है, इसके बाद हम फिक्स करेंगे आर्मरेस्ट। तो अब हमारे दोनों आर्मरेस्ट फिक्स हो चुके हैं, हम फिक्स कर रहे हैं बैकरेस्ट, बस इन स्क्रूज को टाइट करना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पर देखिए दो होल दे रखे हैं, इनमें स्क्रूज फिट होंगे मतलब नेकरेस्ट यहीं पे लगेगा, दिखाते हैं कैसे लगेगा। ये हो गई चेयर रेडी। इसमें दिया गया है एक बड़ा सा कंफर्टेबल सा नेकरेस्ट या हेडरेस्ट जो भी कहो आप, तो ये 2D वाला हेडरेस्ट है। दो फंक्शनैलिटी इसमें आपको मिलती है, कुछ इस तरह से टिल्ट कर सकते हैं इसे हम और अप डाउन कर सकते हैं। इसे भी मैश फैब्रिक से रैप किया गया है, बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट है, और जैसे ही आप अपनी नेक या हेड को इस पर प्लेस करेंगे ना ये उसकी शेप ले लेगा। बैकरेस्ट पर भी कंफर्टेबल सी एयरी मैश फैब्रिक यूज़ की गई है। यहाँ पर हमें कर्वी लंबार सपोर्ट दी गई है जो कि अपनी जगह पे फिक्स्ड है, इसे आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, बट यकीन मानना मैंने इस पर काफ़ी काम किया है बैठकर, तो ये जो लंबार सपोर्ट है
ये ऐसी चेयर से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है जिनमें डेडिकेटेड लंबार सपोर्ट होती है और जिनमें एडजस्टमेंट भी दिया जाता है, तो उससे भी बेटर तरीके से ये लंबार सपोर्ट काम करती है। क्योंकि इसका शेप कुछ इस तरह से दिया गया है कि ये प्रॉपर एस कर्व बनाता है, तो ये आपकी स्पाइन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखेगा और उस पर बिल्कुल स्ट्रेन नहीं पड़ने देगा। ये जो लंबार सपोर्ट है थोड़ी उभरी हुई है, तो इस वजह से ये बैक रेस्ट जो आपकी लोअर बैक होती है उसको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करती है और आपको बिल्कुल पेन फील नहीं होता लोअर बैक में। नेक रेस्ट से लेके बैक रेस्ट और सीट जब प्रॉपर एंगल में होते हैं, सही तरह से होते हैं, तो ये आपके बॉडी को राइट बॉडी पोस्चर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो स्पाइन है उसमें लंबे टाइम तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई बॉडी पेन नहीं होगा। राइट बॉडी पोस्चर का मतलब ये होता है कि बॉडी में बिल्कुल थकान नहीं होती है, और थकान ना होने का मतलब ये है कि आपका फोकस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है, और जब फोकस इंप्रूव हो जाता है तो आप एक घंटे का काम 15 मिनट में 20 मिनट में कर सकते हो, तो इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। एक चीज़ मैंने और नोटिस करी है कि काम करने का खुद से मन करता है। मैंने 3 साल तक एक बेसिक चेयर का यूज़ किया है, बेसिक ऑफिस चेयर का, तो जब मैंने इस तरह की अर्गोनॉमिक चेयर पर स्विच किया तो मैंने ये चीज़ खुद फील की कि काम करने का खुद से मन करता है और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आती है काम में। क्योंकि बैकरेस्ट में हमारे मैश फैब्रिक लगी है, तो इस पे आप जो है बिना एसी पर भी काम कर सकते हैं, स्वेटिंग आपको बैकरेस्ट में तो बिल्कुल आएगी नहीं, क्योंकि हमारी सीट कुशन की है, तो यहाँ हल्का फुल्का पसीना आ सकता है, ये नॉर्मल सी बात है। होल फ्रेम जो है चेयर का वो ग्लास फेड नायलॉन से बना है, ये स्ट्रॉन्ग काफ़ी अच्छा होता है और इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है। बॉडी चेयर की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से आपको कोई भी बैंड या फ्लेक्स फील नहीं होगा। चेयर बहुत ज़्यादा प्रीमियम दिखती है। सीट के जो कुशंस हैं वो डार्क ग्रे कलर में दिए गए हैं और सीट का जो फ्रेम है वो लाइट ग्रे कलर में दिया गया है। इसकी वजह से चेयर बहुत ज़्यादा एलिगेंट एंड बहुत ज़्यादा क्लासी दिखती है। अगर आपको किसी भी तरह के प्रोफेशनल सेटअप में भी इस चेयर को यूज़ करना है तो ये बहुत अच्छा लुक प्रोवाइड करेगी आपके सेटअप को। ग्लास फेड नायलॉन आखिर होता क्या है? ग्लास फेड नायलॉन एक टाइप का मटेरियल होता है जिसमें ग्लास के पाउडर को नायलॉन रेजिन मतलब पिघले हुए नायलॉन में मिलाया जाता है, तो कुछ इस तरह से ग्लास फेड नायलॉन बनता है। नॉर्मल नायलॉन के कंपैरिजन में ये जो नायलॉन है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है ये वाला जो मटेरियल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया इसका फ्रेम जो है ग्लास फेड नायलॉन से बना हुआ है, तो इसी वजह से इसकी जो प्रीमियमनेस है एंड जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अप टू द मार्क लगती है। सीट जो है शेयर में अच्छे बड़े साइज की कंफर्टेबल सीट दी गई है और सेंटर में थोड़ी सी कर्वी है, तो इस वजह से ये अर्गोनॉमिकली आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करेगी। सीट की जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से सीट पर प्लेस की गई है। सीट जो है शेयर की इतनी वाइड दी गई है कि मैं इस पर आराम से चौकड़ी मार के बैठ सकता हूँ और मेरे लेफ्ट और राइट साइड में अभी भी जगह बची हुई है। और इसकी जो मैकेनिज्म है ना चेयर की, इसके जो आर्म रेस्ट हैं नीचे, जब आप इसके स्क्रू टाइट करोगे तो इसे आप थोड़ा सा बाहर निकाल कर भी करीब 1.5 इंच थोड़ा बाहर साइड भी आप इसे कर सकते हो, जिससे कि कोई मोटा इंसान है तो वो भी आराम से चेयर पे बैठ जाए। इस चेयर के अंदर जो आर्म रेस्ट दिए गए हैं वो 3D एडजस्टेबल आर्म रेस्ट दिए गए हैं, तो इसमें मूवमेंट्स क्या क्या मिलते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहली बात तो इसे आप इसे आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये हमारा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हो गया। इस बटन को आप प्रेस करके इसे अप डाउन कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे आपको ठीक लगे। इसे आप कुछ इस तरह से टिल्ट भी कर सकते हैं, तो ये आपको काफ़ी कंफर्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये हो गया हमारी 3rd डायमेंशन। आर्मरेस्ट के ऊपर जो मटेरियल यूज़ किया गया है ये PU टाइप का मटेरियल है, तो ये दबता सा फील होता है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। तो जैसे ही आप जो अपनी आर्म है वो इस पर रखेंगे या इस तरह से रख के काम करेंगे तो आप फील कर पाएंगे कि ये आपको काफ़ी कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है। बाकी चेयर्स में जब ये पार्ट जो है हार्ड होता है तो ये हाथ में चुभता है, लेकिन ये नहीं चुभेगा। आर्म रेस्ट के अंदर जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो भी सेम मटेरियल ही है हमारी चेयर की तरह, ग्लास फ्रेंड नायलॉन। बेस जो इस चेयर में यूज़ किया गया है वो एल्यूमिनियम डाई कास्ट बेस का यूज़ किया गया है, जो कि कर्वी नहीं है आपका, ये जो है थोड़ा सा बॉक्सी टाइप का है। इस पर हैवी क्रोम फिनिशिंग दी गई है, तो रस्टिंग का कोई चांस नहीं है लंबे टाइम में भी। यहाँ पर एक प्लास्टिक कवर भी दिया गया है जो इसकी शो को एनहांस करता है, और यहाँ दी गई है क्लास 4 गैस लिफ्ट। मुझे इस टाइप के बेस काफ़ी पसंद आते हैं जो थोड़े बॉक्सी टाइप के होते हैं एंड कास्टेड होते हैं, कर्वी नहीं होते हैं, तो ऐसे वाले जो बेस होते हैं वो काफ़ी प्रीमियम दिखते हैं। 60mm नायलॉन कास्टर्स व्हील्स का इसके अंदर यूज़ किया गया है, जो कि स्ट्रॉन्ग भी हैं, लॉन्ग लास्टिंग भी हैं और ईजिली सरफेस पर रोल हो जाते हैं। इस चेयर के अंदर जो गैस लिफ्ट लगाई गई है वो क्लास 4 गैस लिफ्ट लगाई गई है। क्लास 4 गैस लिफ्ट जो होती है उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है आपकी 250 kg की,
और बाकी जो चेयर्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर में क्लास 3 गैस लिफ्ट लगाई जाती है, जिसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी 150 केजी की होती है। आप मान के चलो कि इस चेयर पे आप 2.5 क्विंटल तक का इंसान बिठा सकते हो, मतलब 250 केजी, बहुत ज़्यादा है ये। चेयर के अंदर दो लीवर दिए गए हैं। पहला वाला जो लीवर है ये आपकी रॉकिंग पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए है, एंड रॉकिंग पोजीशन को आप इससे लॉक भी कर सकते हैं 90 डिग्री पे या 135 डिग्री पर, जैसे आप चाहें। इसी के साथ साथ जब इस लीवर को आप ऊपर की तरफ खींचेंगे तो हमारी चेयर लिफ्ट कर जाती है। आगे का लीवर जो दिया गया है वो सीट को स्लाइड करने के लिए है, बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है। ज़्यादातर चेयर्स में ये फंक्शनैलिटी आपको नहीं मिलती है, ये प्रीमियम चेयर्स के अंदर ही आपको मिलती है। तो इसकी सीट जो है थोड़ी सी स्लाइड हो जाती है आगे की तरफ। यहाँ नीचे की साइड एक गोल गोल सी नॉब भी दी जाती है चेयर्स के अंदर, ये क्या करती है आपकी रॉकिंग टेंशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। तो पीछे वाला जो बैक रेस्ट है आपका कितना ज़्यादा टेंशन से पीछे जाए या आगे जाए वो इसे घुमाकर आप एडजस्ट कर सकते हैं। इस चेयर के अंदर मल्टी पोजिशन लॉक सिस्टम दिया गया है, तो इसे आप पीछे ले जाकर कुछ इस तरह से इसके लेवर को प्रेस करेंगे तो चेयर लॉक हो जाएगी और कुछ इस तरह से आपको रेस्टिंग पोजिशन मिल जाएगी। तो अगर आप काफ़ी काम करके थक गए हैं तो कुछ इस तरह से आप बेड की तरह इस पर आराम कर सकते हैं। मान लीजिए आप काम करते करते बहुत ज़्यादा थक गए हैं और ऑफिस में घर वाला मज़ा लेना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, इस लीवर को यहाँ से उठाइए और कुछ इस तरह से आपकी सीट स्लाइड हो जाती है आगे की तरफ, और ये आपको ज़्यादा बेटर एंगल प्रोवाइड करेगी पहले से। अब देखिए, मैं इस रॉकिंग पोजीशन को अनलॉक करता हूँ, उसके बाद पीछे ले जाके मैं इसे कर देता हूँ लॉक, और इसके बाद मैं इस चेयर पे आराम से लेट सकता हूँ। है ना मज़ेदार? क्योंकि आप वर्क प्लेस पर लेट नहीं सकते, तो ऐसी चेयर आपके बहुत काम आएगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर आपको इस चेयर के वेट बैलेंस की बात बताऊं तो इसके अंदर कोई मुझे इनस्टेबिलिटी इशू नहीं लगा। चेयर का जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत अच्छी तरह से किया गया है, इनस्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है इस चेयर के अंदर। तो चाहे आप रॉकिंग पोजिशन में जाएँ या फिर आप नॉर्मल इस पोजीशन में बैठे हों और हिलने की कोशिश करें, तो चेयर जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लास 4 गैस लिफ्ट होने की वजह से ये 250 केजी तक का लोड बियर कर सकती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे चेयर की ये चीज़ काफ़ी पसंद आई। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारी चेयर्स में मैंने क्या नोटिस किया है, जब हम इस तरह से पीछे को जाते हैं ना तो उन चेयर्स के अंदर होल्ड नहीं होता है, मतलब वो वाली जो चेयर्स होती हैं, बाकी जो नॉर्मल ज़्यादातर चेयर्स आती हैं, तो जब आप पीछे जाने की कोशिश करोगे ना तो बैक रेस्ट अननेसेसरी फोर्स लगाता है आपकी बैक पे और आपको आगे की तरफ धक्का देता है। लेकिन ये चेयर जो है, जब आप पीछे जाने की कोशिश कर रहे होगे तो चेयर के अंदर कुछ तो ऐसा स्मार्ट मैकेनिज्म है कि इसको पता रहता है कि आप पीछे जा रहे हो, तो ये आपको अननेसेसरी फोर्स नहीं करती है। और यहाँ पर पीछे अगर आपको जाना है तो आप पैर ज़मीन पर टेके बिना भी पीछे की तरफ जा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। मतलब इसके बैक रेस्ट को पीछे ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा मुझे फोर्स लगाना नहीं पड़ रहा है। इसके बैक रेस्ट के अंदर खुद से एक रुकाव है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये मिनिमम हाइट है चेयर की, कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप, मेरे पैर जो हैं पूरी तरीके से ज़मीन के पैरेलल हैं, आराम से मैं कुछ इस तरीके से बैठा हूँ। और यहाँ पर चेयर की जो मिनिमम हाइट है वो 17.5 इंच है। ज़्यादातर चेयर्स में मैंने चेयर की मिनिमम हाइट देखी है 20 इंच के आसपास, तो वैसी कंडीशन में मेरे पैर कुछ इस तरीके से रहते हैं। लेकिन ये जो है ना, अगर आपकी हाइट 5 फीट 4 इंच की है तो भी आप इस चेयर पे आराम से कुछ इस तरीके से बैठ सकते हैं। मेरी हाइट जो है 5 फीट 4 इंच है, तो उसी हिसाब से आप इसे जज करना कि मेरे जैसा बंदा अगर होगा तो वो किस तरह से पोजीशन में बैठेगा। मैं तो फिलहाल आराम से जो है मेरे पैर ज़मीन पर टच कर रहे हैं और मैं बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा हूँ। ऐसी पोजीशन में अगर आप बैठेंगे तो आप घंटों तक काम कर सकते हैं बिना थके। जब चेयर की हाइट ठीक होती है और आपके पैर ज़मीन के पैरेलल होते हैं तो आप थकते भी नहीं हैं। और सबसे अच्छा बेनिफिट इसमें ये मिलता है कि आप आराम से ज़मीन पर टच करके चेयर को आगे पीछे सरका सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, कुछ इस तरह से। अब मैं दिखाता हूँ आपको इस चेयर की मैक्सिमम हाइट। इसके लीवर को आपको प्रेस करना है और कुछ इस तरह से, ये है मैक्सिमम हाइट चेयर की। तो अगर 6 फीट तक का भी कोई बंदा है ना तो उस चेयर पर आराम से बैठ सकता है। और आप देख सकते हैं मेरे पैर यहाँ ज़मीन पर झूल रहे हैं हवा में। चेयर के बैकरेस्ट में राइट एस कर्व का बेनिफिट मैं आपको बताऊँ। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको ना तो किसी तरह का सर्वाइकल पेन होगा, ना ही आपको किसी तरह का बैक पेन होगा, ना ही लोअर बैक पेन होगा। और अगर आप पहले से ऐसा कोई दर्द फेस कर रहे हैं तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा इस चेयर को यूज़ करने के बाद। आप शायद सोच रहे होंगे इस चेयर को परचेज करना वर्थ बाइंग रहेगा या नहीं रहेगा, मैं क्लियर करता हूँ आपको। देखिए, मैं इस चेयर को 20 डेज से भी ज़्यादा से यूज़ कर रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इसके साथ। मैंने इस चेयर पर गेमिंग की है, एडिटिंग की है, स्क्रिप्टिंग की है, ऑफिस का सारा काम किया है, और मुझे 8-10 घंटे यूज़ करने के बाद भी
किसी भी तरह का बैक पेन हुआ नहीं इस चेयर में और फुल कंफर्टेबल माहौल रहा। बैक रेस्ट इसका क्योंकि मैश का है तो मुझे किसी तरह की स्वेटिंग उसमें फील नहीं हुई। सीट पे हल्की फुल्की गर्मी लगी क्योंकि सीट कुशन की है और ज्यादातर कुशन वाली सीटें ऐसे ही काम करती हैं, नॉर्मल सी बात है। अगर आपको नीचे से भी कूलिंग चाहिए, ठंडा ठंडा माहौल चाहिए तो आप इसका डीलक्स वाला वेरियंट दे सकते हैं। उसके अंदर जो कुशन है, मतलब जो सीट है, वो कुशन की नहीं होती है, वो मैश की होती है और नीचे से भी आपको हवा मिलेगी क्योंकि चेयर जो है पोस्चर बहुत अच्छा बना देती है। इसलिए इस चेयर पे 10-10 घंटे बैठकर काम करने के बाद भी ना तो पीठ में किसी तरह की अकड़न हुई और ना ही किसी तरह का पेन हुआ है बॉडी में। इसके वेरियंट्स एंड प्राइसिंग के बारे में बताता हूँ। ब्राविया ग्रे कुशन सीट जो हमारे पास है, इसका प्राइस है वेबसाइट पर इनकी 18,408 रुपये। ब्राविया डीलक्स ग्रे जो है उसका प्राइस है 20,768 रुपये एंड ब्राविया ब्लैक जो है वो 13,275 रुपये है इनकी वेबसाइट पे। तो ये जो भी चेयर्स हैं ये इनकी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलेंगी, वहीं से आपको परचेस करनी पड़ेंगी क्योंकि ये काफ़ी प्रीमियम ब्रांड है। जो भी चेयर्स की मैंने बात करी है उन सबके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से चूज कर सकते हैं। ऑर्डर प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, सारे पेमेंट ऑप्शन आपको यहां मिल जाते हैं। थोड़ा सा रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट की बात भी कर लेते हैं, ये भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। तो आपको पूरे आइटम का रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, जो भी आपको पार्ट प्रोवाइड किए गए हैं सबका रिप्लेसमेंट आपको मिल जाएगा। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट चेयर के अंदर निकलता है या फिर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कोई भी डैमेज आता है तो आपको ब्रांड जो है वो रिप्लेस करके देगा प्रोडक्ट को, अगर ब्रांड की तरफ से कोई भी मिस्टेक होती है। इसके जो पार्ट्स हैं उन पर भी रिप्लेसमेंट आपको दिया जाएगा। अगर कोई भी कंपैटिबिलिटी इशू आता है या फिर कुछ भी फिट नहीं बैठता एक दूसरे के साथ तो आपको ये खुद से रिप्लेस करके देंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई भी चेयर ऑर्डर करने से पहले इनकी वेबसाइट पे रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको सेटिस्फेक्शन मिले और आपको क्लियर रहे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, उसके बाद ही आप ऑर्डर करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। वारंटी की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 1 साल की वारंटी मिलती है चेयर के अंदर। किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अगर आपको मिलता है तो उसकी वारंटी कवर रहेगी। आफ्टर सेल सर्विस को लेकर काफ़ी लोगों को डाउट रहता है, तो 1 साल की तो इसके अंदर वारंटी मिलती है, तब तक तो ये आपको सेल सर्विस प्रोवाइड करेंगे ही, और उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो भी आपको आफ्टर सेल सर्विस मिल जाएगी इनकी आराम से। जितनी भी मेन सिटीज़ हैं वहाँ आपको ये अवेलेबल रहेगी, अगर स्टोर होगा तो स्टोर से और नहीं होगा तो बाई कुरियर। असेंबली की बात की जाए तो जितनी भी मेन सिटीज़ हैं उनके अंदर आपको इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट असेंबली देखने को मिलती है, तो आप आराम से बंदे को बुला के घर पे इसे असेंबल कर सकते हैं। तो ये था गाइज पूरा रिव्यू इस चेयर का मेरी तरफ से। मैंने इस चेयर के बारे में जो भी कुछ फील किया है, जो भी कुछ मेरी ऑब्जर्वेशन में पता लगा वो मैंने आपको बता दिया है जेन्युइन तरीके से। अब आपके ऊपर है कि आपको इस रिव्यू को कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आप इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे तो बने रहिए हमारे चैनल पे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, तभी आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कई सारे चेयर्स को रिव्यू कर चुका हूं तो वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बड़ी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।